टू आर जे क्लासेस और आज जो अपना मैथ का हम लोग करने वाले हैं दैट इज स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो क्लास सिक्स के लिए बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस और टाइम समझने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला समझना होगा और उस फॉर्मूला के बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको पूरा सॉल्व कर पाएंगे। सारा का सारा चैप्टर जो आपके पास फॉर्मूला बेस है, तो चलिए पहला फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिखते हो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये आपका मेन फॉर्मूला है, यही बेसिक फॉर्मूला है। और अगर दूसरा फॉर्मूला डिराइव भी होता है तो यही से हम डिराइव करेंगे। तो फिर यहाँ से स्पीड का अगर फॉर्मूला हम लिखे, स्पीड इक्वल्स टू ये निकालना, क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस के नीचे। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ये आ गया। और अगर हमको टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये आपके पास तीन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब जो है कन्फ्यूजन जहाँ रहता है आपके पास, उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना पड़ता है कभी कभी किस में, मीटर पर सेकंड में, या कभी कभी मीटर पर सेकंड को चेंज करना पड़ता है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो अगर आपके पास कभी भी किलोमीटर किलोमीटर पर आवर दिया हो और इसको चेंज करना हो किस में, मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाइड इसी नंबर से क्यों करते हैं, पहले उसको भी हम समझ लेते हैं। अभी देखो मेरे पास है क्या, किलोमीटर पर आवर, और हमको चेंज करना है क्या, मीटर पर सेकंड में, और इसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर लेते हैं। तो अभी सिर्फ हम सॉल्व करके दिखाते हैं, बाद में जब भी हम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली उस नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो देखो जरा सा, किलोमीटर हमको चेंज किस में करना है, मीटर में, कितना आ जाएगा, 1000। और ये क्या है, आवर, और आवर से हमको चेंज किस में करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो आवर से हम पहले मिनट में चेंज करें, 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर 60 को हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। हमने क्या किया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो मल्टीप्लाई करते गए, अब हम 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 गया, 2 से 2 5 जा एंड 2 3 जा। सो अल्टीमेटली जो अपने पास वैल्यू मिला दैट इज क्या हो जाएगा, 5/18। तो अगर कहीं भी किलोमीटर पर आवर दिया हो और उसको हम मल्टीप्लाइड कर दें कितने से, 5/18 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। या कहीं मीटर पर सेकंड दिया और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किस से, उल्टा कर दो, 18/5 से अगर आप मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो दो चीजें हमको समझ में आ गया, और क्यों करते हैं ये भी हम समझ गए, अभी आपको करके दिखा दिए कि क्यों करते हैं, इसी नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आते हैं क्या, हम लोग अपने सम्स पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ देखो जरा सा, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 15 मिनट। तो आपके पास जो जो दिया है आप लिखते चले जाओ, डिस्टेंस कितने का है, जो जो है हम लिखते चले जाएंगे, 16 किलोमीटर। आपके पास टाइम कितने का दिया हुआ है, टाइम हमने लिख दिया 15 मिनट लिख दिया हमने। अभी हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो भी डेटा था अपने पास वो सारा डेटा हम क्या कर रहे हैं, लिखते चले गए हैं। अब चलो जरा सा, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, और किस में, किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास किलोमीटर तो है, आपके पास टाइम किस में दिया, मिनट में, इसको हम चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज करेंगे, आवर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 15/60। मिनट को अगर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे आप, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ गया आपके पास, आवर, 15 1 जा 15 4 जा, दैट इज क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4 आवर। तो ये निकल गया आपके पास। अब हमको फाइंड करना है क्या, स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। तो स्पीड इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो आप लिख चुके ऊपर में, देखो जरा सा, ये सबसे पहले आप काम क्या करोगे, फॉर्मूला लर्न करोगे, ये समझ लोगे, इसके बाद आप सम्स करना स्टार्ट करोगे, सारा सम्स बन जाएगा क्योंकि सारा फॉर्मूला बेस है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखो, डिस्टेंस बाय टाइम, लिख दो जरा सा, डिस्टेंस बाय क्या लिखना आपको, टाइम। तो डिस्टेंस कितने का, 16, और टाइम कितने का है, 1/4, और ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 इंटू, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या इसको ऐसे ले लो, 1, और ये क्या आ जाएगा, 4/1, तो दैट इज क्या आ जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका निकल आया। अब आते क्या नंबर 1 का 2 नंबर, ये 1 का 1 था और ये 1 का 2। अ मैन रन्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी कितने टाइम में, इन 1 आवर 30 मिनट। तो जो भी अपने पास डेटा है हम क्या बोले हैं, सबसे पहले सारा डेटा गैदर करेंगे। तो टाइम अपने को दे दिया, टाइम इक्वल्स टू
1 आवर 30 मिनट। देखो दोनों तो चलेगा नहीं। अच्छा आपको क्या बोला है, अब स्पीड फाइंड करनी है इसकी, और डिस्टेंस कितने का दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस इज 6 किलोमीटर। हमने डिस्टेंस भी लिख दिया, डिस्टेंस कितने का 6 किलोमीटर का, और हमको क्या फाइंड करनी है, स्पीड। तो स्पीड फाइंड करने के लिए आपके पास टाइम या तो आवर में होनी चाहिए, मिनट में, या सेकंड में, किसी एक क्वांटिटी में होनी चाहिए। आपके पास दोनों का दोनों नहीं चलेगा, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो वन तो अपने पास आवर था, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। ये जो 30 मिनट है इसको हमको चेंज करने, किस में, आवर में। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अभी सिखाएं क्या करेंगे हम, 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये आवर निकल आया। 31 जा 32 जा 1 2 जा 2 एंड 1 3, तो 3/2 क्या हो गया, आवर निकल आया। तो डिस्टेंस आपके पास और आपके पास टाइम भी निकल आया, हमको फाइंड क्या करनी, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला देखो जरा सा, लिख दो जरा सा, स्पीड इक्वल्स टू क्या निकलेगा, डिस्टेंस बाई क्या निकलेगा, टाइम। तो डिस्टेंस है क्या अपने पास 6, और टाइम क्या है मेरे पास 3/2, और ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू। अब क्या करोगे, तो 6/ क्या आ जाएगा 1, और ये जो नंबर है नीचे का, ये दोनों ये क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। सो 2/3, तो 3 कितने जा 2 जा, और ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज क्या निकल आया, 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड निकल आया। देखो सम समर 2 का 1 देखो जरा सा क्या लिखा हुआ, अ ट्रेन टेक्स 2.5 आवर। टाइम आपको दे दिया, तो जो जो दिया है आपको हमेशा सिखाया गया, तो जो जो डेटा है आपके पास आप लिखते चले जाओगे। टू टाइम कितना दिया है, 2.5 आवर, तो कितना आ गया आपके पास, 5/2 आवर कर लिए। कहाँ से, टू रिच हावड़ा फ्रॉम आसनसोल, चलो जहाँ से भी जाओ उसका मतलब नहीं आपको। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे, स्पीड इक्वल्स टू कितने का दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। तो चलो जरा सा डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, स्पीड इनटू टाइम लिख दिया हमने। स्पीड कितने का आपके पास है, स्पीड है 80 का, टाइम कितने का 5/2, और ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर, क्योंकि स्पीड किस में दिया था, किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी आप कैंसिल करोगे टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 40 एंड 45 से क्या आ जाएगा आपके पास, 200, और ये क्या आ गया आपके पास, किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट वन, देखो जरा 2 का 2 नंबर, स्कूल बस ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। इस बार आपके पास स्पीड दे दिया है, तो जो जो दिया है हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। स्पीड कितने का, स्पीड इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, लिख दिए। रिचेज फ्रॉम अ स्टॉप टू द स्कूल, एक स्टॉप पे था और वहां से स्कूल जाने में कितना टाइम लगा इसको, 45 मिनट। तो देखो टाइम भी लिख देते हैं जरा सा, टाइम इक्वल्स टू कितना, 45 मिनट इक्वल्स टू, तो ये किस में दिया है, किलोमीटर और आवर में दिया है। अभी टाइम मेरे पास किस में है, आवर में है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, 45/60, और ये क्या आ गया आपके पास, आवर, 15 3 जा एंड 15 4 जा, सो दैट इज क्या आ जाएगा, 3/4 आवर। और हमको फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस ऑफ दिस स्कूल फ्रॉम दिस स्टॉप, तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला जो आपके पास है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। तो डिस्टेंस का आपके पास स्पीड मीन्स फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो आपके पास स्पीड कितने का है, स्पीड आपके पास दिया है 48, हमने लिख दिया 48 इनटू, और आपके पास टोटल टाइम कितने का है, 3/4 आवर, तो हमने लिख दिया 3/4, और ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर। आवर आवर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से करते हैं, तो 4 1 जा एंड 4 2 जा 12 एंड 12 3 जा कितना आ जाएगा, 36, दैट इज किलोमीटर। तो ये क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस निकल आया। अब आते क्या 3 का 1 नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है, अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमको दे दिया, कितने का स्पीड दिया है, यहां से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्पीड हमको जो दिया, हम स्पीड क्या करते हैं, लिख लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 175 किलोमीटर, और हमको डिस्टेंस भी दे दिया, डिस्टेंस कितने का दिया है, 175
किलोमीटर। और हमको निकालना क्या, हाउ लॉन्ग इट विल, क्या विल इट टेक, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला तो याद है ना, टाइम इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, स्पीड। तो आपके पास डिस्टेंस कितने का है, 175, और स्पीड कितने का आपके पास है, 50, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम निकालना है, तो ये हो जाएगा आवर। तो आप कैंसिल करो यार सर, 25 से 25 टू जा एंड 25 कितने जा, 7 जा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7/2 आवर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/1/2 आवर। ये आपका क्या हो गया, टाइम निकल आया। और अब आते हैं क्या, 3 का 2 नंबर देखो जरा सर, अ मैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितने का, 12 किलोमीटर पर आवर का लिख देते हैं। तो स्पीड निकल के आया कितने का, 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा फिर क्या बोल रहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, और डिस्टेंस मेरा कितने का दिया है, डिस्टेंस दैट इज 8 किलोमीटर। और हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फिर वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इक्वल्स टू क्या निकलेगा, डिस्टेंस बाय क्या निकल आएगा, स्पीड, स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास जितना है लिख दो, डिस्टेंस आपके पास क्या है 8, और स्पीड कितने आपके पास है, तो 12, ये 12, और ये क्या निकलेगा, आवर। और इसको आप चेंज कर लो, किस में चेंज करोगे, तो 4 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 जा एंड 4 3 जा, तो दैट इज क्या निकला, 2/3 आवर। इसको आप आवर में भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको मिनट में अगर आंसर दिया हो, मिनट में चेंज करना हो, तो देखो आवर में एक आंसर अपना निकल चुका, आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मिनट में चेंज करना हो, तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, पता है ना, 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 3 से 20, और ये क्या निकल आया, 40 मिनट। तो आप या तो ये आंसर छोड़ दो, या आप क्या करो, इसमें आंसर लिख दो। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा सा, 4:1, द स्पीड ऑफ ए कार इज 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर दिया है, और हमको फाइंड किस में करनी है, मीटर पर सेकंड। अभी आपको समझाए थे शुरुआत में, जब फॉर्मूला समझा रहे थे, कभी भी किलोमीटर पर आवर दिया हो, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, तो लिख लो जरा सा। तो आपके पास स्पीड कितने का है, 45 किलोमीटर पर आवर, और चेंज किस में करनी है, मीटर पर सेकंड में। तो आपको क्या बोला गया था, किससे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप बोलोगे सर 5/18 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो देखो जरा सर, 3 से कैंसिल करते हैं, सो 3 से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 3 से 6 आ जाएगा। और हम लोग बड़ा से भी कर सकते थे, 9 से कर सकते थे, फिर से कर ले 3 से, 3 2 जा एंड 3 कितना आ जाएगा, 5 जा, सो दैट इज कितना आ जाएगा, 25/2 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू 12/1/2 मीटर पर सेकेंड, या 12.5 मीटर पर सेकेंड, जो आपको लिखना है, दोनों का दोनों ये क्या हो जाएगा, सही बैठेगा आपके पास। तो इस तरह से हमने क्या किया, कन्वर्जन सीखा। दूसरा देखो क्या दिया, 10 मीटर पर सेकेंड दिया आपको, और इस बार किस में चेंज करनी है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। फिर से वही कहानी आपके पास है, तो लिखो जरा सा, आपके पास जो दिया उसको लिख लो, स्पीड कितने का दिया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और हमको किस में चेंज करनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या बोले थे, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18, और यहाँ क्या करोगे, 18/5 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 5 से कैंसिल करते हैं, 5/1 जा एंड 5/2 जा, 18/2 जा 36, एंड दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर निकल गया। करीब करीब देखो, जितने भी सम्स आप देख रहे हो, सारा का सारा सम्स एक ही कैटेगरी का है। करना क्या है कि आपको जो भी डेटा दिया हुआ डेटा लिखो, अगर थोड़ा सा स्लाइटली कुछ चेंज करना है, चेंज करो, और फॉर्मूला यूज करके क्या करो, अपना वैल्यू निकाल लो। देखो 5:1 नंबर, अ ट्रेन रन्स एट 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है, ये स्पीड है। तो आप चलो जरा स्टार्ट कर देते हैं, स्पीड आपके पास दे दिया कितने का, 72 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज स्पीड इन मीटर पर मिनट, देखो यार अच्छी तरह समझना, मीटर पर सेकंड वाली बात नहीं हो रही है, मीटर पर मिनट वाली बात हो रही है। तो हम चेंज कर देते हैं, तो हमको ये डिस्टेंस जो है किस में चाहिए, मिनट में, ये मीटर में चाहिए, और टाइम किस में चाहिए, हमको चाहिए मिनट में। तो 72 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, 1000, ये क्या आ गया, मीटर।
और यहाँ पे चलो जरा सा आवर है, कितना मतलब 1 आवर, और ये किस में आ जाएगा तो ये 60, और ये क्या आ जाएगा मिनट में आ जाएगा। तो चलो जरा सा कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 गया, 6 से 6 1 जा, 6 2 जा, अब कितना आपके पास आ गया तो 1200 मीटर पर मिनट, ये आपके पास मल्टीप्लाई कर लो इसको तो 1200 मीटर पर मिनट, ये आपके पास क्या हो गया आंसर निकल आया। तो सिर्फ आप ये देखना कन्वर्ट किस में करना है, अगर हाँ यहाँ पर अगर मीटर पर सेकेंड होता तो क्या करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते। नेक्स्ट देखो जैसे 5 का 2 नंबर, अ साइक्लिस्ट स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, कितने का स्पीड दिया है 5 मीटर, चलो लिख लेते हैं। जो भी डेटा है ना आप अच्छी तरह से पहले लिख लेना, स्पीड इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड लिख लिया हमने। हाउ मेनी किलोमीटर डज इट कवर इन 1 आवर, और टाइम किस में हमको दिया, टाइम इक्वल्स टू 1 आवर। अब देखो सर बोलोगे सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर टाइम हम आवर में यूज कर रहे हैं तो अपना स्पीड भी क्या होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, क्योंकि टाइम और इस टाइम आपके पास और जो डिस्टेंस है या स्पीड है अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो आपका टाइम किस में दिया, आवर में, स्पीड दिया मीटर पर सेकेंड में, हम इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो 5 into क्या जाएगा 18/5 मीटर पर सेकेंड को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये और ये गया कितना आ जाएगा आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास स्पीड भी है टाइम भी है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड आपके पास कितने का है 18, टाइम कितने का है 1, और ये क्या आ जाएगा किलोमीटर, सो दैट इज 18 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर निकल आया। तो इस तरह से आप क्या करना, इसी कैटेगरी का और भी सम्स घर पे प्रैक्टिस करना।